किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दूसरे पे भरोसा नहीं किया जाता है, भरोसा खुद पे किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मात्र 15,000 से कैसे कबाड़ी से पेपर प्लेट तैयार करके उसे मार्केट में सेल करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर प्लेट बनाने के लिए बहुत सारी मशीनें आती है, सिंगल डाई, डबल डाई, हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, बहुत सारी तरह की मशीनें हैं। लेकिन ये जो मशीन है ये 10,000 से 20,000 के रूप इन्वेस्ट में आप इससे जो है अच्छी खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैनुअल मशीन लेकर के आप इससे दोना थाली जो है, दोना और प्लेट जो है बना के मार्केट में आप बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी आवश्यकता है। आज जहाँ जाइए, होटल में जाइए, तो वहाँ स्टील प्लेट जो है बहुत कम देखने को मिलता है। अब जो है पेपर प्लेट का ही आइटम चलेगा, और थर्मोकोल पे तो सरकार बैन लगा दी है, तो पेपर प्लेट का ही जो है राज आने वाला है मार्केट में। अब बात करें कि इस मशीन को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसमें जो आप रॉ मटेरियल, जैसे ऑटोमेटिक मशीन में जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं अभी, तो वो आपको 60 रुपये से 80 रुपये के रेंज में पड़ जाता है। लेकिन ये रॉ मटेरियल आप कचरे के भाव में खरीद सकते हैं। जी हाँ, 28 से लेकर 40 रुपये किलो तक आप जो है इस प्रकार का जो छोटा सर्कल आता है, इस प्रकार का छोटा सर्कल आता है 6 इंच 7 इंच में, वो मात्र आप कबाड़ी के भाव में खरीद सकते हैं, और उससे मेहनत करके दोना थाली बना करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस मशीन की बात करें तो ये मशीन जो है आपको 10,000 से 20,000 रुपये के रेंज में आएगी। इसके लिए खास जगह की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, घर में किसी भी जगह पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और घरेलू बिजली से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, और न ही इसमें आपको किसी प्रकार का लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है लघु उद्योग में आता है, और न इसमें किस, और बात करें कि सेल की, तो इसमें सेल में भी किसी तरह का जो है झंझट नहीं है, क्योंकि आप अगर कहीं पेपर प्लेट में जाते हैं, वहाँ आप नाश्ता करते हैं या कोई प्रोडक्ट खाते हैं पेपर प्लेट में, तो आप देखिए उसमें किसी तरह का कंपनी का ब्रांड नहीं लगा हुआ है कि इस ब्रांड के पेपर के कटोरी और प्लेट में हम खाना खा रहे हैं। तो ये होता है कि आप इसे सेल कर सकते हैं, आपका बिजनेस आज शुरुआत किए हैं या 10 साल पहले से, सेल आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए कि हम काउंटर को कैसे पकड़ें। इस मशीन में जो है इस प्रकार का आप प्लेट और डोना जो है बना सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसको आप देखिए, ये हो अक्सर आप होटल वगैरह में इस टाइप का जो है प्लेट आप देखे होंगे, ये भी प्लेट जो है होटल में, तो ये सारी जो प्लेटें हैं आप इस मशीन में बना सकते हैं कम पूंजी लगा करके। आपको 50,000 और 60,000 पूंजी नहीं लग रहा है, 15,000-16,000 का आपका मशीन हो जाएगा GST ट्रांसपोर्ट लगा करके, और जो है कि रॉ मटेरियल आप 2,000-4,000 जितना पूंजी है उस हिसाब से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते। किसी प्रोडक्ट को बेचना बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत बड़ा कलाकारी भी है, और जो लोग इसे बेचते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी है। प्रोडक्ट आपको बेचने का जज्बा होना चाहिए, काउंटर पे आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, मशीन परचेज करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कंपनी का नाम नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पे भी मैंने नंबर दे दिया जहां से आप कॉल करके इस मशीन के बारे में जान सकते हैं और मशीन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।